अब शुरुआत करते हैं खबर में दम है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पश्चिम बंगाल में पिछले दो महीने में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये दूसरा दौरा बता रहा है कि बंगाल में ममता सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का अभियान पार्टी ने तेज कर दिया है। मेरा आपसे निवेदन है, अभी चुनाव होगा, ममता जी को टाटा। ममता जी, बंगाल की जनता ने आपको नमस्ते करने का तय कर लिया है, ये बात आप समझ लीजिए। आज नड्डा ने नवदीप में संत चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली पहुंचकर उन्हें नमन किया और बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। नड्डा ने आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और प्रेस को बांग्ला में भी संबोधित करते हुए नजर आए। मोदी जी सरकारें संपूर्ण सौभाग्य सुविधा और सुजोग देवे तो आमी पूरा आशा रखे और जरूर इसका विकास होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। नड्डा ने शाहपुर में 3,000 से ज्यादा किसानों के साथ सामूहिक भोज के आयोजन में खिचड़ी खाई। उन्होंने मालदा में फव्वारा मोड़ से रविंद्रनाथ मूर्ति तक रोड शो भी किया। देश के कई हिस्सों से किसानों के चक्का जाम की तस्वीरें जरूर आईं, पर जैसा दावा था चक्का जाम को वैसा समर्थन मिलता नहीं दिखा। किसान आंदोलन के तहत आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक देश के कई हिस्सों में सड़कों और हाईवे को जाम किया गया। जाहिर है इससे अफरा तफरी का माहौल बना रहा, सुरक्षा कर्मियों की परेशानी बढ़ी रही। चक्का जाम के बीच गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। दिल्ली को चक्का जाम से मुक्त रखा गया था, लेकिन यहां भी प्रदर्शनकारी शहीदी पार्क में प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पुणे में शेतकारी संगठन के लोगों ने पुणे हाईवे को जाम किया, पुलिस ने शेतकारी संगठन के लोगों को हिरासत में लिया। बेंगलुरु में भी हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी। शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य डटे रहे, प्रदर्शनकारियों ने सांपला रोहतक हाईवे पर भी चक्का जाम किया। लुधियाना और अमृतसर हाईवे पर भी प्रदर्शनकारियों ने जाम लगाया। मोहाली में भी सड़कों पर उतरे किसान नेता। एमपी के ग्वालियर में भी किसान नेताओं ने चक्का जाम किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने घायल पुलिस वालों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो मैसेज में उन्होंने दिल्ली पुलिस को एक परिवार बताया और पुलिस वालों के हौसले की भी तारीफ की। ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव का जवानों के नाम संदेश है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा में घायल जवानों के नाम उन्होंने ये वीडियो जारी किया है। अधिकारी आपको बतलाते हैं, उसी प्रकार से आप उसका पालन करें और हम साथ एक साथ मिल करके इस चुनौती को पार कर जाएंगे और स्थिति सामान्य होगी। साथ ही इस वीडियो में उन्होंने ड्यूटी पर तैनात जवानों की तारीफ की तो घायल पुलिस जवानों की हौसला अफजाई। दिल्ली पुलिस को एक परिवार बताते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ये भरोसा जताते हैं कि दिल्ली में बिगड़े हालातों को जल्द ही सामान्य कर लिया जाएगा। आपके अधिकारी आपको बतलाते हैं, उसी प्रकार से आप उसका पालन करें और हम साथ एक साथ मिल करके इस चुनौती। पीएम मोदी ने गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समारोह में शिरकत की और स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने आत्मविश्वास जगाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समारोह को संबोधित किया। गुजरात हाईकोर्ट ने 1 मई 2020 को अपनी स्थापना के 60 साल पूरे कर लिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने अपनी अलग पहचान बनाई है। 60 वर्षों में अपनी कानूनी समझ, अपनी विद्वत्ता और बौद्धिकता से गुजरात हाईकोर्ट और बार दोनों ने ही एक विशिष्ट पहचान बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी न्यायपालिका लोगों के अधिकार की रक्षा कर रही है। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी।
जम्मू कश्मीर में 4G सेवा की दोबारा बहाली से सामान्य जनजीवन पटरी पर लौटा। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी खुशी जताई है। ये जम्मू कश्मीर की तस्वीरें जहां लोग इंटरनेट की 4G सेवा बहाल होने से खुश दिखे। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाए जाने के बाद से सुरक्षा को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद थी। अब स्टूडेंट्स और बिजनेस क्लास सबको सहूलियत के साथ ही सामान्य जनजीवन पटरी पर आ रहा है। तो हम बहुत ज्यादा खुश हैं, 4G आ गया हमारे फाइनली J&K में। और हम ये चाहते हैं कि अब बंद ना करें और वैसे ही कंटिन्यू रहे। और हाँ, ये बेसिकली हमारी पढ़ाई से रिलेटेड बहुत हेल्पफुल रहेगा। डेफिनेटली अब हमें 4G मिल रहा है तो डेफिनेटली इट विल जस्ट लुक आफ्टर अ पॉजिटिव साइड कि हमें काफी एक अच्छी चीज मिली है क्योंकि हम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट के जरिए 4G सेवा बहाल होने पर खुशी जताई है। चेन्नई में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने अभियान छेड़ा, जिसका हिस्सा मद्रास यूनिवर्सिटी के छात्र भी बने। सड़क हादसों में कमी के मकसद से बाइक रैली निकाली गई। तस्वीरें चेन्नई की हैं। बाइक रैली निकालकर पब्लिक को रोड सेफ्टी को लेकर जागरूक करने का बीड़ा उठाया चेन्नई ट्रैफिक पुलिस ने। लंबी कतार में टू व्हीलर्स और वॉलंटियर्स नजर आए। पैदल मार्च करते छात्रों ने हाथों पर तख्तियां लेकर रैली निकाली। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत ये जागरूकता अभियान चलाया गया। सड़कों पर दुर्घटनाएं कम हो, इस मकसद से चेन्नई ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट की इस पहल को हरी झंडी दिखाई गई। इस अभियान का हिस्सा मद्रास यूनिवर्सिटी और NSS भी बने। एलॉट बीच पर एक सेमिनार हुआ, लोगों को ट्रैफिक रूट की जानकारी दी गई। सड़कों पर होने वाले हादसों पर रोक लगाने के लिए इसे मिशन की तरह लिया गया है। भारी संख्या में चेन्नई ट्रैफिक पुलिसकर्मी, मद्रास यूनिवर्सिटी के छात्र और स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक रूल्स को लेकर अवेयरनेस कैंपेन चलाया। वक्त वक्त पर ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लोगों को रोड सेफ्टी को लेकर अवेयर किया जाता है। मध्य प्रदेश के बड़वानी के रहने वाले कुछ लोग रोजगार की तलाश में नासिक पहुंचे तो वहां उन्हें बंधक बना लिया गया। परिजनों की शिकायत पर प्रशासन हरकत में आया और 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी के रहने वाले इन 15 लोगों को महाराष्ट्र से रेस्क्यू किया गया है। रोजगार की तलाश में लोग महाराष्ट्र के नासिक पहुंचे, जहां काम के एवज में मजदूरी की जगह इन लोगों को बंधक बना लिया गया। परिजनों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की तो हरकत में आया प्रशासन ने इन लोगों को छुड़वा लिया। छुड़वाए गए लोगों में 7 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं। नासिक जिले के किसी ग्राम में बंधुआ मजदूर बना करके प्रताड़ित करने की कल मेरे पास शिकायत प्राप्त हुई थी। मैंने तत्काल संज्ञान लेते हुए मैंने कल अपने STM और तहसीलदार को निर्देश किया गया। उसने उनकी पड़ताल की तो पाया गया कि उनको अवैध रूप से उनको बंधक बनाया गया हुआ है। तहसीलदार ने उनको तत्काल मौके से मुक्त करा करके और अपने साथ पुलिस अभिरक्षा में उनको वापस लाया जा रहा है। नासिक के चिमनवाड़ी में काम की तलाश में गए मजदूरों को बंधक बनाकर काम करवाया जा रहा था। परिजनों की शिकायत को प्रशासन ने गंभीरता से लिया। कुल 15 लोगों को मुक्त करवा लिया गया है।